ओके गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है क्या? प्रोबेबिलिटी. याद है क्या बचपन में स्कूल में कभी प्रोबेबिलिटी नाम की चीज पढ़े थे क्या? एक कॉइन टॉस करते हैं, फिर उसमें हेड आता है या तो क्या आता है, टेल आता है, फिर हम काउंट करते हैं. तो चलो, बड़ा आसान है. क्वेश्चंस के साथ ही कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि आपकी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाएगी, डेवलप होती चली जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो विथ अ डायस. एक डायस है, डायस लूडो तो सभी खेलते हैं ना. डायस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 से लेके 1 तक. तो हम इसके सॉल्यूशन 1 से लेके 6 तक. आओ, तो बड़ा आसान है. इसको जब डायस रोल किया गया तो इसको बोला जाता है ट्रायल. क्या बोला जाता है? ट्रायल. कि हम एक क्या ले रहे? ट्रायल. या इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट. इसको बोला जाता है ट्रायल या क्या? एक्सपेरिमेंट. ट्रायल या एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? थ्रोइंग ए डायस. ये हमने ट्रायल किया. अब हर ट्रायल के कुछ प्रोबेबल आउटकम्स होते हैं. कुछ क्या होते हैं? प्रोबेबल आउटकम. इसको बोलते ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, या इसको बोलते इवेंट. इसको क्या बोल सकते हो आप? इवेंट भी बोल सकते हो. इवेंट क्या है? एक डायस थ्रो करना, या ट्रायल बोलो, या क्या बोलो? एक्सपेरिमेंट करो. इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड आउटकम, या इसी का दूसरा नाम है सैंपल स्पेस, जिसको हम डिनोट करते एस से. अगर एक डायस बेटा थ्रो किया तो आपको पता है एक्सपेक्टेड आउटकम या सैंपल स्पेस क्या होते? 1 आ सकता, या तो 2 आ सकता, या तो 3 आ सकता, या तो 4 आ सकता, या तो 5 आ सकता, या तो क्या आ सकता? 6 आ सकता. तो ये एक सेट बन गया, जो है सेट एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड देयर फोर हम इसके आगे लिख सकते हैं एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस. ये बताओ तो कितने हैं? 6, बराबर है. अब देखो, ट्रायल तो हो गया, एक्सपेरिमेंट तो हो गया, जो होना था वो हो सकता है. एस का मतलब है क्या क्या हो सकता है. अब अगला है, इसको हम नाम देते हैं रिक्वायर्ड इवेंट. ये लिख लो, ये बाद में बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं. हमें रिक्वायर्ड इवेंट है गेटिंग, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं ए से. जो है गेटिंग, क्या चाहिए बेटा हमें? इवन नंबर की ऑड नंबर? इवन नंबर. इसमें कुछ भी हो सकता है. मल्टीपल ऑफ 3 पूछा जा सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 पूछा जा सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 पूछा जा सकता है, इवन नंबर पूछा जा सकता है, ऑड नंबर पूछा जा सकता है. और इसके आगे हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू, एक सेट बनाएंगे ए का. ये जो ए सेट है इसमें बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में इवन नंबर्स कितने हैं? 2, 4 एंड 6. एंड देयरफॉर हम आगे और एक चीज लिखेंगे एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. ये कितने हैं बेटा? 3 है. गॉट माय पॉइंट? फिर हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इज गिवन बाय. फॉर्मूला पता है किसी को? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इज इक्वल टू, बड़ा सरल फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो, वेरी गुड, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस एंड इज इक्वल टू, हम देंगे क्या? 3/6 इज इक्वल टू कितना? 1/2. आप चाहो तो इसको 0. क्या लिख सकते हो? 5. और लिख सकते हो कितना परसेंट? 50%. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने डाय रोल किया तो 50% चांसेस है, 50% चांसेस है कि आपका जो ऊपर नंबर आए वो कौन सा नंबर हो?
इवन नंबर, मतलब 50% चांस है कि जो नंबर आए वो क्या ना हो, इवन नंबर ना हो। अब ये बोलना सही नहीं होगा कि वो ऑड नंबर है, यहाँ इस केस में सही है, पर हर केस में ये कहना सही नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर 50% है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इस तरीके से हम एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस से कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किसके सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करेंगे। आगे चलते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इन अ थ्रो ऑफ अ क्या, कॉइन। तो बस यही हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के चलेंगे स्टार्टिंग में, जिसको मैं परमानेंटली ड्रॉ कर लेता हूं। इवेंट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम कम क्या है, एन ऑफ एस क्या है, रिक्वायर्ड इवेंट क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। आओ फिर इसको हम बोलेंगे ट्रायल एक्सपेरिमेंट या इवेंट। दूसरे क्वेश्चन में हमारा ट्रायल एक्सपेरिमेंट या इवेंट क्या है बेटा, बोलो ना, थ्रोइंग अ कॉइन। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम या सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, एस इज इक्वल टू, आपको लिखना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक कॉइन थ्रो करने के बाद या तो हेड आए या तो क्या आए, टेल आए, एंड देयर फोर आप खुद ही बोल सकते हो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना रहेगा, टू। ये मुझे पता है आप सबका ये बेसिक हुआ वाला है। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इवेंट ए। बोलो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू क्या, गेटिंग टेल, एंड देयर फोर ए इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, हमें तो बस टेल चाहिए, तो ए इज इक्वल टू क्या, टेल, एंड देयर फोर एन ऑफ ए कितना आएगा, बोलो ना कितना, वन, एक ही एलिमेंट है इसमें। फिर हमारा फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या, ए, ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है फॉर्मूला ए होने की, पी ऑफ ए को पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे उसको, बोलो बेटा कितना बाई कितना, 1/2, मतलब भी कितना 0.5, और क्या लिख सकते हो 50%। सो दिस इज हाउ वी कीप ऑन गोइंग एंड आंसरिंग अवर क्वेश्चंस। डोंट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन नंबर 1 or 2 विल कम इनटू योर एग्जाम, कभी भी आने वाला नहीं है। एक बैग कंटेन करता है 6 व्हाइट बॉल्स और 9 कौन से बॉल, ब्लैक बॉल। What is the probability of drawing, कौन सा बॉल रे, ब्लैक बॉल। चलो ठीक है, इसको और इसी तरह से लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल क्या है, यहां पे ट्रायल है ड्रॉइंग ए बॉल, ए मतलब कितना बॉल, एक बॉल, फ्रॉम कितने बॉल, 15 बॉल। अरे भाई एक बैग में कुल कितने बॉल है, 15 बॉल है, कितने बॉल है 15, उसमें से हमें कितना बॉल ड्रॉ करना है, एक बॉल ड्रॉ करना है। एक बैग में कुछ 6 व्हाइट बॉल है और 9 कितने बॉल है, ब्लैक, 9 और 6 कितने होते हैं, 15। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली 15 में से एक बॉल क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बराबर है ना। फिर हम एक्सपेक्टेड आउटकम और सिंपल स्पेस, अब 15 में से एक बॉल जब निकालते हैं तो उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है वो होता है 15C1। क्या होता है बेटा, 15C1, 15 में से एक बॉल ड्रॉ करना। आप बोलोगे सर ये नहीं समझा, ये हमारा हुआ नहीं है, हुआ है क्या, पक्का हुआ है, अब पता है आपको 15C1 का आंसर कितना आता, मैं बताता हूं, 15C1 का आंसर होता है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
15 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर फैक्टोरियल नहीं पता हमें, फैक्टोरियल पता है क्या होता है? तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ध्यान से सीखना। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 1। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 21 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई क्या 1। टेक्निकली किसी भी नंबर का n फैक्टोरियल होता है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 n माइनस n। मतलब ये तो हो गया कितना फैक्टर? 0 फैक्टोरियल प्लस 1, और यहां पर फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कर सकते हो, किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो? फैक्टोरियल। तो 15 में से अगर एक बॉल चुनना है तो इसको डिनोट किया जाता है किससे? 15C1 से। और 15C1 का मतलब होता है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1 क्या? फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15 फैक्टोरियल? 15 फैक्टोरियल इज नथिंग बट अ 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब कितना फैक्टोरियल? 14। अब 15 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता? 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 फैक्टोरियल लिखा तो कुछ गलत है क्या? और डिवाइडेड बाई क्या? 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल कैंसल, क्या बचा? 15। तो 15 में से एक बॉल कितने तरीके से चुना जा सकता है? 15 तरीके से चुना जा सकता है। 15 में से एक बॉल कितने तरीके से चुना जा सकता है? 15 तरीके से चुना जा सकता है। 15 बॉल है, हर एक बॉल पे एक स्टिकर लगा दो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर से लेके कितने नंबर तक? 15। हाथ डालो और एक बॉल निकालो। ऐसे कितने तरीके हैं जिससे अलग अलग बॉल निकल सकते? 15 तरीके जिसमें से कोई भी बॉल निकल सकता है, इसमें कोई बॉदरेशन नहीं है। तो यहां पे जब हमने एक ट्रायल लिया या एक एक्सपेरिमेंट लिया या एक इवेंट परफॉर्म किया जहां पे हमने एक बॉल ड्रॉ किया, अ बॉल का मतलब क्या होता है? एक बॉल। कितने बॉल में से? 15 में से। तो 15 में से एक बॉल कितने तरीके से चुना जा सकता है? 15 तरीके से चुना जा सकता है। इज इक्वल टू हम लिखेंगे 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल, इज इक्वल टू लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल। अब 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल क्या? कैंसल। तो क्या बचा? 15। तो हमारा जो इवेंट है इससे हमें कितने आउटकम मिल सकते हैं? 15 आउटकम मिल सकते हैं। पर हमें 15 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो क्वेश्चन पे पढ़ो। अब बैग कंटेन कितने वाइट बॉल? 6 वाइट बॉल, और 9 कौन से बॉल? ब्लैक बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए? कौन सा? ब्लैक बॉल। तो हमें रिक्वायर्ड इवेंट क्या है? ए, गेटिंग ए ब्लैक बॉल, ये हमें चाहिए। ए ब्लैक बॉल मतलब कितना ब्लैक बॉल? एक ब्लैक बॉल। अब मुझे बताइए कि यहां पर कितने ब्लैक बॉल है? 9 ब्लैक बॉल है। तो अगर 15 में से एक बॉल जिसका कोई कलर डिफाइन नहीं है कितने तरीके से चुना जा सकता है? 15C1। तो 9 में से एक चाहिए ना, तो 9 में से अगर एक चाहिए तो कितने तरीके से चुन सकते हैं? 9C1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लिखेंगे यहां पे एंड देयर फॉर ए इज इक्वल टू 9C1। वैसे 9 ऊपर होना चाहिए, 9 ऐसा लिखते हैं अपन, 9C1 को ऐसा लिखते हैं 9C1। ये 9 ऊपर, C बीच में, और उसके बेस के जैसा क्या लिखते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा हो गया 9C। अब मुझे बताओ अगर 15C1 का आंसर 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1 फैक्टोरियल आता तो 9C1 का आंसर क्या आना चाहिए?
नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नाइन माइनस वन फैक्टोरियल, तो लिखो फिर नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में नाइन माइनस वन फैक्टोरियल, आंसर बताओ फिर। नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नाइन माइनस वन मतलब एट फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एट फैक्टोरियल। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो नाइन फैक्टोरियल को ही क्या लिख सकते हो, नाइन मल्टीप्लाइड बाय एट फैक्टोरियल। अरे वो एट फैक्टोरियल मतलब फिर से एट सेवन से लेके कहां तक जाएगा, वन तक जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल बेटा एट फैक्टोरियल, आंसर कितना आया आपका नाइन। तो हमें दो चीजें मिल गई, कौन सी दो चीजें मिल गई, एक मिल गया n ऑफ s और एक मिल गया क्या n ऑफ a, फॉर्मूला वही रहेगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, मतलब क्या रहे नाइन डिवाइडेड बाय 15, इसको छोटा कर सकते हो, थ्री डिवाइडेड बाय क्या फाइव, अब पांच में से तीन मतलब भी दस में से कितने छह मतलब 0.6 और कितना परसेंट रहे 60%, समझ में आई ये बात। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो सॉल्व कर सकते हो, अरे कर सकते हो कि नहीं। तो एक नई चीज पढ़ी हमने, उसका नाम क्या था फैक्टोरियल, क्या नाम था उसका फैक्टोरियल। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the probability that if card is a drawn at a random from the ordinary pack of card? ये होना चाहिए एक red card या होना चाहिए एक club card और होना चाहिए one of the court card, jack, queen और क्या king। तो आपको थोड़ा सा जुआरी बनना पड़ेगा। सबको पता है क्या हमारे जो 52 पत्ते हम खेलते हैं 52 कार्ड्स जो खेलते हैं जिसको हम प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं उसका कंपोजिशन कैसा होता है, एनीबॉडी नोस क्या क्या होता है उसमें, सबको पता है क्या नहीं पता सबको। अरे एक तो ऐसा होगा जो जुआरी नहीं है यार, सब लोग मतलब मंजे हुए लोग हो, चुप बैठ तो एक नंबर का जुआरी। चलो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन है एलोब्रेट दिस, बातें मत करो, एलोब्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये याद रखना है। लिखो पॉइंट वाइज पॉइंट फटाफट। दिस सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज नोन एज अ डेक, इसको क्या बोला जाता है डेक। जल्दी जल्दी लिखो समय नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 13 हार्ट्स, हार्ट उसको आप चाहो तो रेड कलर कर सकते हो, ये रेड कलर का होता है। 13 डायमंड के कार्ड होते हैं, 13 क्लब होता है जिसको आमतौर पे अपन क्या बोलते हैं चिड़ी बोलते हैं चिड़ी, और 13 स्पेड के कार्ड होते हैं इसको झब्बू बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ वर्ड्स इधर चलते हैं, हर जगह के अपने अपने अलग वर्ड्स है। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 13 13 13 13 कार्ड्स में बटे हुए होते हैं। लिख रहे हो पटापट, ओके गाइस। चलो अब मैं समझाता हूँ ये 52 कार्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पूरे के पूरे जो 52 पत्ते होते हैं जिसको हम खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है डेक, बराबर है। उसमें होते 13 हार्ट्स, कौन से कलर के रेड कलर के, 13 डायमंड्स कौन से कलर के रेड कलर के, 13 क्लब और 13 किसके कार्ड होते हैं स्पेड के। हार्ट एंड डायमंड आर कौन से कार्ड रेड कार्ड, वेयर एज द क्लब एंड स्पेड्स आर कौन से कार्ड माने जाते हैं ब्लैक कार्ड। Hence there are total 26 red cards and 26 black cards. आप 52 cards को दो colors में बांट सकते हो, black कितने 26 और red कितने 26.
हर जो 13 कार्ड का सेट होता है, मतलब 13 हार्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्पेड, उसमें होता है एक इक्का, बराबर है। उसमें होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर होता है एक जैक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब रानी और किंग मतलब क्या, राजा। गुलाम, रानी और राजा, ओके। उसके बाद होता है इच सेट ऑफ 13 कार्ड हैव, हर कार्ड में एक जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, और इसको कोर्ट कार्ड या फेस कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि इस पे क्या छपे हुए होते हैं, चेहरे, गुलाम के, रानी के और राजा के। और पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैव टोटल 12 फेस कार्ड, रहेंगे ना, तीन फेस कार्ड किसके, हार्ट के, तीन किसके, डायमंड के, तीन क्लब के और तीन स्पेड के, तो कुल मिला के फेस कार्ड कितने हो गए, 12। तो इन अ डे को 52 कार्ड्स देयर आर टोटल, चार एक के होते, चार दो होते, चार तिर्रे होते, चौकी होती है, पंजी होती है, चार क्वीन होती है, चार किंग होते है। हर कार्ड कितनी बार आते हैं, फिर चार बार। कार्ड्स 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 9 कार्ड्स को कौन सा कार्ड बोला जाता है, न्यूमरिक कार्ड, एक का न्यूमरिक कार्ड नहीं। इन ईच डेक देयर आर टोटल 9 × 4, मतलब कितने न्यूमरिक कार्ड्स होंगे, 36, उसमें से 18 रेड और 18 ब्लैक। ईच डेक कंसिस्ट ऑफ 36 न्यूमरिक कार्ड प्लस 4 क्या होते, 1 के, प्लस 12 क्या होते, फेस कार्ड, ऐसे कुल मिला के कितने कार्ड बनते हैं, 52। अब आप चाहो तो अगले क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, नंबर उसका चेंज होगा, आपके हिसाब से 4 आएगा, मेरे हिसाब से 5 आएगा। What is the probability that if a card is drawn at random from the ordinary pack of card, ये कौन सा कार्ड होना चाहिए, रेड कार्ड, या तो ये कौन सा कार्ड होना चाहिए, क्लब कार्ड, या तो ये कौन सा कार्ड होना चाहिए, वन ऑफ द कोर्ट कार्ड। अब देखो, सबसे पहले तो हमें लिखना है ट्रायल क्या है, हमारा ट्रायल क्या है, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। अरे भाई अभी तो फिलहाल ये नहीं कर रहे ना, कौन सा कार्ड होगा ये तो बात की बात है, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, हमारे सामने कितने ताश के पत्ते रखे, 52, उसमें से कितना पत्ता निकाल रहे, एक, 15 बॉल में से एक बॉल निकालना है तो कितने तरीके से कर सकते, 15C1, तो 52 में से एक कार्ड निकालना है तो कितने तरीके से कर सकते, 15C1, ठीक है। तो लिखो फिर N of S, ट्रायल मतलब S, तो N of S क्या होगा, 52C1, एंड वैल्यू निकालो 52C1 की, ओए ओए ओए, 52C1 के आंसर अब डायरेक्ट 52 लिखा तो चलेगा क्या, कि मेरे को पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत है, पक्का, चलो ए वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ए में हमारे लिए रिक्वायर्ड आउटकम, या जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड इवेंट, ए इज इक्वल टू, पहले इसमें क्या चाहिए हमें, रेड कार्ड। अब मुझे बोलो, अगर हमें रेड कार्ड चाहिए बेटा, तो इसमें कितने रेड कार्ड होते हैं 52 में, देयर आर अ रेड कार्ड, एक ही कार्ड चाहिए, तो यहां रेड कार्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ रेड कार्ड, तो देयर आर 26 रेड कार्ड्स, हेंस गेटिंग ए रेड कार्ड, ए मतलब कितना रे, 1 From 26 can be done in कितने तरीके से, 26C1 तरीके से।
इज इक्वल टू कितना वेज रे? 26 वेज. एंड देयर फॉर हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? 26. हमें जो चाहिए वो पाने के 26 तरीके हैं, और जो हो सकता है ऐसे कितने तरीके हैं? 52. एंड देयर फॉर पी ऑफ ए, वही फार्मूला अपना पी ऑफ ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस, या एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, करो डिवीजन, इज इक्वल टू 26 बाय क्या? 52, मतलब 0.5. अरे भाई पत्ते पीटो, एक कार्ड निकालो. एक कार्ड निकाला तो वो या तो रेड होगा या तो क्या होगा? ब्लैक. रेड होने आप 50% रेड कार्ड है, 50% कौन से कार्ड है? ब्लैक कार्ड. तो ब्लैक कार्ड आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, रेड कार्ड आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 50%. सो सिंपल. दूसरा, जैसा ए लिखा वैसे ही लिखेंगे बी. बोलो बी में रिक्वायर्ड इवेंट क्या है? गेटिंग कौन सा? क्लब कार्ड. हमें कौन सा कार्ड चाहिए बेटा? क्लब. बोलो क्लब के कितने कार्ड होते? 13. हमें हमने तो एक कार्ड निकाल लिया, पर हमें कौन सा एक चाहिए? 13 में का एक चाहिए. अरे हाँ कि ना, हमें एक चाहिए. पहले तो 52 में से एक निकाला, तो एन जो हो सकता है वो कितने हो गए? 52C1. हमें अब जो एक चाहिए वो कितने में से एक चाहिए? 13C1. 13 में से एक चाहिए. तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसमें लिखो एज देयर आर ए, लिखो गेटिंग ए क्लब कार्ड, एज देयर आर 13 क्लब कार्ड्स. डायरेक्ट आंसर करेंगे इसका, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 13 बाय 52. मतलब आएगा 0.25. चलो थर्ड में क्या चाहिए अपने को? गेटिंग वन ऑफ द कोर्ट कार्ड. अब कितने कोर्ट कार्ड होते हैं? नहीं 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 नहीं, 12 कोर्ट कार्ड होते. तो आंसर क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 52. लिखो गेटिंग वन ऑफ द कोर्ट कार्ड. आगे लिखेंगे एज देयर आर 12 कोर्ट कार्ड्स, P of A is equal to N of A upon N of S and is equal to 12 by 52. कोई छोटा करके बताएगा क्या 12 by 52 का? 12, 6 by 26. उसको और छोटा करो क्या होता है? 3 by 13. 3 by 13 का और छोटा होता नहीं. आप चाहो तो पॉइंट में इसको आंसर कर सकते हो या वहीं पे छोड़ दो. 3 by 13 कितना होता? 0.2337. ठीक है छोड़ दो. समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आएंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 विथ अ ऑर्डिनरी डायस? अब ग्रेटर देन 3 मतलब क्या? 3 चलेगा क्या? नहीं, मतलब 4, 5, 6. तो लिखो डायरेक्ट सॉल्यूशन में. S इज इक्वल टू बना लो सैंपल स्पेस. S क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड देयर फॉर एन ऑफ एस कितना होगा? कितना रे? 6. A इज इक्वल टू सीधा सेट बनाओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होता है? 4, 5, 6. हेंस एन ऑफ ए लिख लो सीधा सीधा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने रे? 3. एंड देयर फॉर पी ऑफ ए लिख लो. हेंस पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. वैल्यू पुट कर दो.
बोलो एन ऑफ ए कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 6, मतलब क्या 1/2, और क्या रे 0.5, और क्या रे 50%। कितना इजी है ना, लिख लिया आंसर। आगे चलो सेवंथ एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव कितना संडे, 53। अब ये सारा ट्रिक क्वेश्चन है। अच्छा हो गया लाइट आ गई। वी हैव द जेम्स 100 आउट ऑफ 100 एंड 98 आउट ऑफ 100, तेरे कितने थे 96, कितना अखरता 4 मार्क। यही 100 आउट ऑफ 100 होते तो जिंदगी भर क्या होता, या बहुत फर्क है जीवन में, ध्यान में रखना, कितने में 99 और 100। आई प्राउडली सेड मेरे फाउंडेशन में अकाउंट में कितने मार्क्स थे 100 आउट ऑफ 100। मैं घर बैठ में बताना नहीं भूलता, क्यों, अचीवमेंट ही अचीवमेंट है तो बताना चाहिए। आओ सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां लिखेंगे अपन पॉइंट वाइज, इन नॉन लीप ईयर देयर आर 365 डेज। एक नॉन लीप ईयर में कितने दिन रहते हैं, 365 डेज रहते हैं। हेंस आइडियली ईच डे कम्स 52 टाइम्स, हर दिन कितनी बार आता है, 52 बार आता है। सो इट बिकम्स 52 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 364। तो ये तो हर दिन अगर कितनी बार आता है, 52 बार आता है, मतलब 52 संडे आएंगे, 52 सैटरडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 वेडनेसडे आएंगे, तो ऐसे तो 364 डेज हो गए, बराबर है ना। हेंस एनी वन ऑफ द डे कम्स 53 टाइम्स। कोई तो भी एक दिन होता है, कोई तो भी एक दिन होता है जो 52 बार नहीं, कितनी बार आता है, 53 बार आता है, बराबर है। सो वी कैन से दैट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्स्ट्रा डे S इज इक्वल टू, ये जो S एक एक्स्ट्रा डे है, ये हो सकता है संडे, या तो हो सकता है मंडे, या तो हो सकता है ट्यूसडे, या तो हो सकता है वेडनेसडे, या तो हो सकता है थर्सडे, या तो हो सकता है फ्राइडे, या तो हो सकता है सैटरडे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या तो क्या सैटरडे। तो अगर आपको ये चुनना होता कि नॉन लीप ईयर में एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर जो आ सकता है वो कितना है 7, और जो हमें चाहिए वो कितना है 1 है। एंड देयरफॉर आप आगे लिखोगे, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं लीप और नॉन लीप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम इसके आगे लिखेंगे, हेंस एन ऑफ एस इज इक्वल टू 7, वी नीड 1 एक्स्ट्रा संडे hence a is equal to, हमारा जो चाहिए वो ऐसा बनता है, सिर्फ एक संडे चाहिए, and hence हम बोल सकते हैं n of a is equal to 1, and hence probability of a is equal to 1/7। ये हो गया कौन से ईयर के लिए, नॉन लीप ईयर के लिए। अब सुनो, क्वेश्चन नॉन लीप ईयर का नहीं है, क्वेश्चन कौन से ईयर का है, लीप ईयर का। फिर एक पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अपन, इन लीप ईयर, इन कौन सा ईयर, लीप ईयर, देयर आर 365 नहीं, कितने दिन होते,
366 डेज। ये जो यूनिट है, एक बात ध्यान में रखना, ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ थम रूल कम और दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। ये पूरे मैथमेटिक्स, पूरे स्टेटिस्टिक्स सबसे हटके चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे थम रूल, रटे रटाए फार्मूले कम ही काम में आते हैं। यहाँ हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है, एक नया है, बिल्कुल बिल्कुल नया है। इसका पिछले क्वेश्चन से कई बार कोई लेना देना होता नहीं है, इसकी कोई मेथड नहीं, इसके कोई रूल्स नहीं है, इसमें दिमाग ही चलाना पड़ता है। इसलिए ये प्योर साइंस का पार्ट है भी नहीं। कई लोग इसको बोलते हैं कि एक सुडोकू है, ये कभी मैथ का पार्ट बन सकता नहीं है, पर स्टिल इट इज इन अ स्टैटिस्टिक। तो इन लीप ईयर देयर आर 366 डेज। आइडियली ईच डे कम्स 52 टाइम्स, सो इट बिकम्स 52 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू कितना रे, 364। हेंस एनी टू डेज कम्स 53 टाइम्स। अब यहां एक दिन दो बार 53 टाइम्स नहीं आएगा, कोई तो भी दो दिन रहेंगे, जो कितनी बार आएगा, 53 टाइम्स आएगा। दोस कैन बी, अब सुनो यहां पे मस्त ट्विस्ट है, ये जो दो दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये दिन कौन से हो सकते हैं, संडे मंडे, ये दिन हो सकते हैं संडे मंडे, या ये दिन हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, या ये दिन हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, या ये दिन हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, या ये दो दिन हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, या ये दिन हो सकते हैं फ्राइडे सैटरडे, या तो ये दिन हो सकते हैं सैटरडे संडे। तो यहां पे भी एन ऑफ एस कितना है, 7 ही है। ये दो दिन का एक सेट है ना, ये दो दिन का एक क्या है, एलिमेंट। पहला है संडे मंडे, दूसरा है मंडे ट्यूसडे, फिर है ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर है वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। अब हमें सवाल क्या पूछा गया है कि इसमें 52 नहीं, कितने संडे रहेंगे, 53 संडे। वी नीड टू एक्स्ट्रा संडेज एंड दीज कैन बी गेट थ्रू ए इज इक्वल टू, बोलो हमें जो संडे चाहिए ये कैसे दो तरीके से मिल सकते हमें, या तो संडे मंडे आ गया तो भी एक संडे एक्स्ट्रा आ गया, या तो सैटरडे संडे आ गया तो भी एक संडे एक्स्ट्रा आ गया। हेंस एन ऑफ ए, हमें जो चाहिए ये कितनी बार हो सकता है, दो। ऐसे हमने एन ऑफ एस निकाला, और क्या निकाला, एन ऑफ ए निकाला। बात समझ में आई क्या, है ना इंटरेस्टिंग। एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू संडेज इज इक्वल टू 1/7, नहीं कितना, 2/7। अच्छा क्वेश्चन था, जनरली तो इसको याद कर लेते बच्चे कि नॉन लीप ईयर में एक संडे एक्स्ट्रा आएगा इसका प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/7, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। अगला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ मोर देन 10 इन अ सिंगल थ्रो विद कितने डायस रे, 2 डायस। अब एक डायस नहीं रोल कर रहे, अब कितने डायस रोल कर रहे, 2। तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस बनाते आना चाहिए, किसका, 2 डायस का। चलिए आप एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए व्हाट इज मीन बाय सैंपल स्पेस, एक क्वेश्चन लेके, और ये उतार लीजिए उसमें जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। एस इज सिमिलर कॉन्सेप्ट एज अ यूनिवर्सल सेट, एस कंटेन्स द पॉसिबल इवेंट्स या आउटकम ऑफ अ ट्रायल। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट दिया है, उसका सैंपल स्पेस दिया है, और उसके नंबर ऑफ क्या दिए है, आउटकम दिए। आप चाहो तो इसको, चाहो नहीं लिख ही लो, एक बार के लिए लिख के रख दो, लिखे रखो। चलो
तो चलो आपको ये लिखना था, व्हाट इज मीन बाय सैंपल स्पेस. अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या, एस. सैंपल स्पेस और एस इज सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट. एस कंटेन्स ऑल द पॉसिबल इवेंट या आउटकम ऑफ अ ट्रायल. अगर एक्सपेरिमेंट है आपका एक कॉइन टॉस करना, कॉसिंग अ टॉइन कॉइन मतलब एक कॉइन, तो आपको मिल सकता है हेड या टेल. तो एक कॉइन टॉस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें हो सकती है लाइफ में, दो. अगर आप एक साथ दो, सुनो मेरी बात, एक साथ दो या एक कॉइन को दो बार टॉस करते हो, एक ही बात है. एक साथ दो कॉइन टॉस करो या एक कॉइन को कितनी बार टॉस करो, दो बार. जीवन में जो हो सकता है वो ये होगा, या तो पहले पे हेड या दूसरे पे हेड, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या तो पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल, कोई फर्क नहीं है. एक कॉइन को दो बार टॉस करना एक ही बात है और दो कॉइन को एक साथ टॉस करना एक ही बात है. आपके साथ जीवन में कितनी घटनाएं घटित हो सकती है, चार. अगर इसी तरह आप एक कॉइन को तीन बार टॉस करते हो या तीन कॉइन को एक बार टॉस करते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है. तो जीवन में कितनी चीजें घटित हो सकती है, आठ. ये क्या है, एच 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 टी टी एच टी एच 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 टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी 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 टी. इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा सो इसी में से कुछ ना कुछ होगा. अगर आप एक डाइस थ्रो करते हो तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा छह चीजें ही हो सकती है, या तो एक आएगा या तो दो या तो तीन चार पांच या छह. और अगर आप दो डाइस एक साथ थ्रो करते हो या एक डाइस को कितनी बार थ्रो करते हो, दो बार, तो जीवन में कुल मिला के कितनी चीजें हो सकती है, 36 चीजें पॉसिबल है, जो है 1112 से लेके तो 66 तक. अब अगर ये बात क्लियर है तो आप अगले क्वेश्चन का क्या दे सकते हो, जवाब दे सकते हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ मोर देन 10 इन अ सिंगल थ्रो विद कितना डायस रे, दो डायस. तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे एन ऑफ एस. बोलो रे कितना एन ऑफ एस, 36. फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब बनाने की तो जरूरत नहीं है. एन ऑफ क्या, ए. अच्छा क्या चाहिए ए के नाम पे, टोटल कितनी चाहिए मोर देन, अच्छा आओ ना फिर यहां पे. अच्छा इसमें देखो तो टोटल मोर देन 10 कहां नजर आ रही है आपको, यहां से शुरू होती है टोटल. ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, तीन और दो पांच, पांच मोर देन 10 मतलब 11 और 12. तो बस यही वो चीजें हैं, या तो 5-6 आएगा या तो 6-5 आएगा या तो 6-6 आएगा. तो आपको जो चाहिए एन ऑफ ए वो कितना है, तो आंसर मिल गया. हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इज इक्वल टू 3/36 इज इक्वल टू 1/12. दैट्स द आंसर है क्या, समझ में आ रहा क्या कुमकुम. कुमकुम भाग्य, तेरा भाग्य खुलने को देखा. अच्छा 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 अब कुछ तो भी ट्विस्ट है कहानी में. कहानी में क्या है अब ट्विस्ट, देखते क्या. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड अ पर्सन बेट दैट इट इज अ स्पेड और क्या, यस. व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट विनिंग हिज बेट. ये सब बात की बात है ऑड्स वगैरह की. पहले तो अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि या तो वो स्पेड रहेगा या तो वो क्या रहेगा, एस रहेगा. और का मतलब होता है हाँ एडिशन, इसमें से देखो. अब यहां थोड़ा ट्विस्ट है सॉल्यूशन. इवेंट क्या है बोलो तो, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम कितने कार्ड्स, 52 कार्ड्स, एंड हेंस हम ये लिख सकते हैं एन ऑफ एस कितना होगा, 52. ये तो पक्का हो गया. हम अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्डिनरी पैक मतलब कितना कार्ड ड्रॉ किया, एक. अब मुझे बताओ
रिक्वायर्ड इवेंट क्या है? ए, क्या चाहिए हमें गेटिंग ए स्पेड और एन एस? हमें चाहिए या तो स्पेड या तो एस। अब बोलो स्पेड कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, कुल कितने हो गए? गलत हो। स्पेड अगर 13 होते हैं तो उसमें भी एक एस क्या है, इंक्लूड है। तो हमें जो चाहिए, ऐसे कितने कार्ड है? 16। हेंस देयर आर 16 सच कार्ड्स। हेंस व्हाट वी वांट, कैन बी अचीव्ड इन 16 वेज। हमें जो चाहिए ये हम 16 तरीके से हासिल कर सकते। Hence P of A. is equal to 16 divided by क्या? 52. बराबर है? बराबर है कि नहीं? Hence we can say the probability of winning the bet, इस शर्त को जीतने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑड्स इन फेवर इज 16/52। इस शर्त को उसने शर्त लगाई ना कि भाई इसमें से या तो क्या आएगा, स्पेड का कार्ड आएगा, या तो क्या आएगा, एस आएगा। और ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? 16 बार हो सकता है। कितने में से? 52। आप एक कार्ड निकाला तो 52 कोई भी कार्ड निकल सकते हैं, पर आपको जो चाहिए वो कितने तरीके से आ सकता है? 16। तो कुल हो सकते 52 बार। आपको जो चाहिए वो चाहिए 16। तो चांसेस क्या है कि आप ये शर्त जीत जाओ? 16/52। जब आप जो चाहते वो हो जाए तो इसको बोला जाता है ऑड्स इन फेवर। आप जो चाहते ये हो जाए इसको बोला जाता है क्या? Odds in favor। और आप जो चाहते हो वो ना हो इसको बोला जाता है odds against। क्या बोला जाता है? Odds against। And hence question change कर ले, what are the odds against his winning his bet? अच्छा, hence we can say that probability of winning the bets, that is odds in favor, is कितना है? 16/52। hence we can say probability of not winning the bet, that is, इसी को बोलेंगे हम odds against, is, अब 16 बार हो सकता है तो कितनी बार नहीं हो सकता? 36/52, that is 1 - 16/52। अरे एक मतलब 100% चांस, वन मतलब कितना परसेंट चांस? 100%। तो अगर 52 में से 52 में से 16 बार हो सकता है तो 52 में से 36 बार नहीं हो सकता। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? जो आप चाहते हो वो हो जाए, तो होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या है? जो आप चाहते हो वो ना हो। ऊपर के क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं, जैसे हमने दो डायस रोल किए थे, से पूछा गया था कि 10 से ज्यादा टोटल आने की संभावना कितनी है, तो आपने आंसर दिया कितना? 3/36। तो ना आने के चांसेस कितने? 33/36। तो आ जाए तो इसको बोलोगे ऑड्स इन फेवर, तो ना आए उसको बोलोगे ऑड्स अगेंस्ट। Is that clear? चला पुढे। अगला एग्जाम्पल है 11th, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ डे। ए डायस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 or 6 मे अपीयर ऑन अपर फेस? क्या चलता हमें? एक भी चलता और 2, 6 भी चलता। एक चलता ना, और क्या चलता? 6 भी चलता। तो हमें जो चलता वो कितनी बार हो सकता है? 2 बार।
कुल क्या हो सकता है, कितनी बार हो सकता है? 6 बार. तो लिखो सॉल्यूशन. ओ डायसिस थ्रो किया ना, तो एन ऑफ एस कितना आएगा? ए बता दो आपको जो चाहिए, आपको क्या चलता, एक भी चलता या 6 भी चलता? आपको ये एक भी चलता और क्या चलता, 6. एक आया तो भी चलता, 6 आया तो भी चलता. तो आपको जो चलता वो कितनी बार हो सकता है? 2 बार. अरे गॉट माय पॉइंट. अब कल से थोड़े नए टॉपिक्स पे चले. ये तो बेसिक था, ये तो क्या था, बेसिक. तो इस टॉपिक को नाम दे दो. बेसिक प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी. ठीक है गाइस, कल कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को.